श्री पत्रकार संघ सदस्य माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट के पक्ष में मुझे चर्चा में भाग लेने अवसर प्रदान किया। महोदय, इस सरकार को, उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार, जिसके लिए जनता का भरोसा न टूटे उस आस पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास पर होनी चाहिए। मान्यवर, हमारी जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की लगभग 24 करोड़ की आबादी है और वर्तमान जो बजट है वो 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है, जो अभी तक का सर्वाधिक बजट है उत्तर प्रदेश का, जो इस बार बजट में माननीय हमारे वित्त मंत्री जी लेकर के आए। महोदय, अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में और उसमें जो एमओयू साइन हुए हैं वो लगभग 2023 के इन्वेस्टर समिट में लगभग 35,50,000 करोड़ की निवेश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। हमारे गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गीडा, बीडा, सतहरिया, ये तीन अथॉरिटीज हैं जिसमें उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योग विभाग के माध्यम से तमाम उद्योगों की स्थापना, आज गीडा की स्थिति यह है कि वहाँ पर जमीन की कमी के कारण उद्योग अभी नहीं लग पा रहे हैं। जो नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहित करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा दावा है, इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, 30 वर्षों के कार्यकाल में हमने देखा है हाईएस्ट मकान ग्रामीण अंचल में और शहरी अंचलों में भारतीय जनता पार्टी की देन है और वो आवास बनकर के तैयार हो गए। उसी प्रकार से नए नगर पंचायतों के निर्माण की व्यवस्था हमारी वर्तमान की सरकार ने किया है, ये बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीनी मिलें रुग्ण पड़ी थी, जिन पर किसी ने विचार नहीं किया, लोगों ने उन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया, उन चीनी मिलों को उच्च स्तर पर करके उसकी पेराई क्षमता को बढ़ा करके उन चीनी मिलों को किसानों को समर्पित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। महोदय, आज हम जब चर्चा करते हैं, नेता विपक्ष ने कुछ कहा, मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना। वास्तव में व्यक्तिगत चर्चाएं राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम सीमाएं पार कर जाते हैं, सदन की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, वहां हमको भी विचार करना चाहिए। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में नेता विपक्ष ने जो कहा उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्टेडियमों की स्थापना की गई। मेरे विधानसभा में महंत अवैधनाथ ग्रामीण स्टेडियम बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण स्टेडियम वहां स्थापित हो गया और बन करके गोरखपुर में तैयार है। मैं उसी प्रकार से जो गन्ना विभाग के माध्यम से किसानों के लिए सहज तौल बिक्री केंद्र की स्थापना गन्ना विभाग के माध्यम से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में महोदय तीन चिड़ियाघर हैं, एक आपका गोरखपुर में है, एक आपका लखनऊ में है और एक कानपुर में चिड़ियाघर है। जो गोरखपुर का चिड़ियाघर बना, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने 1986 में उस चिड़ियाघर के लिए जमीन अधिग्रहित की थी, उनके मरणोपरांत बहुत सी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन अगर ध्यान देने का काम हम लोगों ने किया। बांधवर, 2011 में 18 मई को मेरे द्वारा उसका शिलान्यास किया जाता है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से परमिशन 2 साल में मिलती है, सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन 1 साल में मिलती है, सरकार का 4 साल का कार्यकाल बीत जाता है, 4वें साल हमने बजट आवंटित करके उस चिड़ियाघर के शुभारंभ को करा करके गोरखपुर की जनता को समर्पित करने का काम हमने वहां से प्रारंभ किया। माननीय महोदय, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि उस चिड़ियाघर पर मात्र 6 करोड़ रुपए पूर्व की सरकारों ने दिया है, आप बजट आवंटित करके जो फॉर्मेलिटीज हैं
उनको पूरा करा करके इसका उद्घाटन करने का काम करें। और मुख्यमंत्री जी ने उस कार्य को करा करके आज गोरखपुर को चिड़ियाघर सौंपने का काम तीसरा उत्तर प्रदेश का करने का कार्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। मान्यवर, रामगढ़ ताल परियोजना की चर्चा आती है, नेता विपक्ष कहते हैं हमने शिलान्यास किया और नाम उद्घाटन किसने किया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कार्य प्रारंभ करना कोई बड़ी बात नहीं, कार्य को पूर्ण करना आवश्यक है। हम दो दो तीन तीन बार सरकारों में रहें और उसके बाद कह दें कि हमने शिलान्यास किया, उद्घाटन कोई और करा, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया। मान्यवर, बहुत से विषय हैं, मैंने सुना सभी लोगों को। आज उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कम हो गए हैं, मैं मानता हूं इस बात को। पूर्वांचल के बंटवारे के, उत्तराखंड के बंटवारे के बाद हमारा वन क्षेत्र कम हो गया है। वनावरण वृक्षावरण को हमें बढ़ाना चाहिए। मैं वर्तमान वन मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, ठीक है उत्तरांचल बढ़ गया लेकिन हवाएं नहीं रुकी हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल लगा हुआ राज्य है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा क्षेत्र चला गया, एक राज्य बन गया। निश्चित रूप से वृक्षावरण पर हमको ध्यान देना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति हमें सचेत करना होगा। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहूँगा, अगर हो तो सुन लेंगे, वन राज्य मंत्री जी हाँ हैं। मान्यवर, यूपी बायोडायवर्सिटी बोर्ड का गठन मेरे द्वारा किया गया था। ये बायोडायवर्सिटी बोर्ड और बायोडायवर्सिटी एक्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हम लोगों ने इसका गठन किया था, लेकिन मैंने इस बजट में अभी देखा उस पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं है, जिससे पूरे प्रदेश के जनपदों में इस एक्ट के, इस बोर्ड के अनुपालन को कराने में कोई विशेष कार्य हो। मेरा सुझाव है कि जब अनुपूरक बजट कभी आएगा तो उसमें प्रस्तावित करा करके उसे भी आगे बढ़ाने का काम हमारे साथी करेंगे। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण। मैंने सामान्य सदस्य, बस दो मिनट, सात आठ मिनट हो गया, दो मिनट और दो मिनट, मैं दो मिनट मेजर सड़कों के मामले में मेजर सुनील दत्त जी, बस एक मिनट, एक मिनट। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सरकार के कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, वहीं चौड़ीकरण के मद में लगभग 18,407 सड़कों का किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने का उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय सदस्य आप वरिष्ठ है, अब देख लीजिए कितने लोगों को बोलना है, अंतिम, इसलिए मैं मेजर सुनील दत्त जी को दो लाइन अंतिम कह करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। हमारी बेचारगी, ध्यान से सुने माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी बेचारगी का हाल कुछ इस कदर है कि तंज कस रहे हैं वो जो खुद शहर में बदनाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।